नमस्कार। दूरदर्शन किसान चैनल पर आप देख रहे हैं किसान समाचार। मैं हूं रमा त्यागी। देश के अन्नदाता को समर्पित दुनिया का एकमात्र टेलीविजन चैनल दूरदर्शन किसान, जहां पर हर रोज हम लेकर आते हैं किसान समाचार। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेतीबाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। जी हां, वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। साथ ही आपको बताएंगे मंडी भाव, मौसम का हाल। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए और रेलवे की परियोजनाओं के लिए राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, सरकार देश भर में मजदूरों के लिए सम्मानजनक न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में देश के सकल घरेलू उत्पाद को कम से कम 1 से 1.5% बढ़ाए जाने की बताई जरूरत। केंद्र सरकार देश के गांवों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने की दिशा में कर रही है काम। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस विषय से संबंधित कौशल के विकास पर दिया जाएगा जोर। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्रमिकों के हित में श्रम कानूनों में किया जाएगा सुधार। सरकार देश के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने की दिशा में कर रही है काम। और अब विस्तार से देखते हैं समाचारों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में कई फैसले लिए गए हैं। सरकार ने रेलवे में बुनियादी संरचनाओं से जुड़ी परियोजनाओं को फंड करने के लिए राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने को अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार ने छोटे और घरेलू सोलर बिजली उत्पादन योजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए राशि 600 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ करने को भी मंजूरी दे दी है। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भारतीय मजदूर संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी वामपंथ का मॉडल लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज समाज बदल चुका है। हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं, समाज प्रगति करे, असमानता न रहे। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने श्रमिक हितों की पैरवी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश की 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए स्मार्ट कार्ड देकर यूविन कार्ड से जोड़ने का काम करेगी। सरकार की इस पहल से श्रमिकों को ईएसआई सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के गांवों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को इस सुविधा से जोड़ने का काम किया है। हर ब्लॉक की एक पंचायत को डिजिटल करने का काम किया जा रहा है, जहां पर डिजिटल क्लासरूम, ई कॉमर्स सेवा, वाईफाई सुविधा, ई स्वास्थ्य सुविधा और अन्य तरह की सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी और इनसे संबंधित कौशल के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। और देश में 1 जनवरी से अराजपत्रित और उससे नीचे की सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार देने की जरूरत नहीं होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस महीने की 31 तारीख तक ग्रुप बी, सी और ग्रुप बी की गैर राजपत्रित नौकरियों में साक्षात्कार बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यदि कोई मंत्रालय या विभाग किसी खास पद के लिए साक्षात्कार लेना चाहता है तो उसे मंजूरी के लिए इस आशय का प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास भेजना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में निचले स्तर के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की थी। और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में किसान एक तरफ जहां सूखे से परेशान है, तो दूसरी तरफ औरंगाबाद के पिंपरे गांव के किसानों के चेहरों पर सर्दी पड़ने से मायूसी छाई हुई है। औरंगाबाद के किसानों की इस परेशानी का सबब है वहां सर्दी अधिक बढ़ने से अनार के फल का फूटना। दरअसल इस साल औरंगाबाद में कई गांव के किसानों ने करीब 5,000 हेक्टेयर में अनार के बागान लगाए थे, लेकिन सर्दी अधिक पड़ने और ठंडी हवाएं चलने से ज्यादातर अनार के फल फूट गए हैं, जिससे किसानों को बाजार में अब इन फूटे अनारों की सही कीमत नहीं मिलेगी, उन्हें काफी नुकसान होगा। किसानों का आरोप है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उनकी परेशानी को देखते हुए बागान में अनार की खराब हुई फसल को देखने के लिए नहीं आया है। और इस साल महाराष्ट्र में भी कम बारिश होने का असर सोलापुर में ज्वार की फसल पर काफी पड़ा है। ज्वार में सिंचाई की कमी रहने के कारण इसका उत्पादन बहुत कम हुआ है। किसानों का कहना है कि जिस खेत में 20 बोरी ज्वार होती थी, वहां इस साल सूखा पड़ने की वजह से सिर्फ 2 बोरी ज्वार की पैदावार हो पाई।
पानी की कमी होने से दक्षिण सोलापुर के मंद्रूप गांव में किसानों की आर्थिक हालत कमजोर हो रही है। सोलापुर के कई गांव के किसान खेतों में पिछली और इस बार की फसल खराब होने से काफी परेशान हैं। और इन सभी खबरों पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता संतोष चौधरी और ओपी यादव। संतोष, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आज जो कैबिनेट के फैसले की बात हुई है सोलर ऊर्जा के लिए, सोलर सुविधा के लिए जो बजट बढ़ाया गया है, इससे कितनी सुविधा मिलेगी किसानों को? मैं आपको बताऊं, इससे बहुत सुविधा मिलेगी किसानों को। मैं एक छोटी सी खबर का यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात के एक किसान है, उन्होंने बैंक से अनुदान लिया और बैंक ने सोलर उनके खेतों में लगवाया, क्योंकि किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की होती है, क्योंकि गांव में अभी भी बिजली की बहुत दिक्कत है और जो उनकी फसलें होती हैं उनका ज़्यादातर से जो सिंचाई होती है वो बिजली से होता है, वो ट्यूबवेल उन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन जब बिजली ही पर्याप्त नहीं रहती है इसकी वजह से उनकी फसलें सूख जाती है। लेकिन जो किसान है गुजरात के, उन्होंने बैंक से संपर्क किया और बैंक ने सोलर उनके जाके खेत में लगाया और आज वो एक अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों को पर्याप्त और सही समय पर पानी मिल रहा है। बिल्कुल। और ओपी यादव, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से संतोष ने बताया है कि काफी महत्वपूर्ण ये फैसला रहेगा और कई जगह पर जहां पर सिंचाई की समस्या है वहां पर किसानों को काफी फायदा होने वाला है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि शोलापुर में काफी समस्या है किसानों के सामने और इस साल उन्हें ज्वार की फसल में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जो सोलर पैनल की जब आपने बात कही ना, सबसे बड़ी किसानों को परेशानी होती है पानी और बिजली। सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए पानी की सुविधा मुहैया करवा रही है। दूसरी जो बड़ी समस्या थी बिजली की, तो बिजली काफी कॉस्टली पड़ती है, तो अभी सोलर पैनल लगा के जो बिजली की व्यवस्था, बहुत सारे राज्य जैसे राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर जो रिमोट सेंस एरिया, वहां पर धूप काफी आती है लेकिन पानी और बिजली की सुविधा नहीं पहुंचती, तो सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। अभी जो सोलर पैनल का जो प्लान किया है, सबसे बड़ी जो सरकार की जरूरत थी वो किसानों तक पहुंचाने की थी इसको, तो इससे क्या होगा, किसानों को सस्ती दर पर बिजली मिलेगी, बिजली मिलेगी तो कॉस्टली नहीं पड़ेगी। उन्होंने जो कृषि की तरफ जो किसानों का रुझान कम हो रहा है, कॉस्टली पड़ रही है, तो कम खर्चे में अच्छी लागत तभी मिलेगी जब बिजली पानी का खर्चा कम आएगा। तो सरकार ने जो पहल की किसानों को ध्यान देकर की और आने वाले समय 2020 तक, जब अपन बात कर रहे हैं 2020 तक पूरे देश में स्वच्छता होगी, पानी होगा, बिजली होगी, तो ये सारी व्यवस्थाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है, नए साल आने वाला, तो नए साल में इस तरह की जो पहल की है सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर की। जी, काफी महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान जो शहतूत की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, देख लेते हैं किस तरह से। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है, यानी इस राज्य की 80% आबादी कृषि पर ही आश्रित है। नित नए नए कृषि प्रयोगों के कारण हिमाचल प्रदेश पूरे देश में प्रचलित है। सेरिकल्चर से अनजान यहाँ के किसानों ने इसकी खेती की शुरुआत कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया। कहते हैं कर्म करने में उम्र आड़े नहीं आती। जी हाँ, अनंतराम ने इस उम्र में शहतूत की खेती कर आय का साधन बना लिया और आज इसकी खेती कुमाऊनी क्षेत्र में लाभ का सौदा साबित हो रही है। शुरुआत में इसकी खेती को घाटे का सौदा मानकर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था, लेकिन कारखानों के खुलते ही इसकी मांग काफी बढ़ गई और किसान इसकी खेती की तरफ वापस मुड़ गए। पहले तो इसका पैसा जो है हमारे यहाँ पे हिमाचल में बहुत कम मिलता था, क्योंकि बंगाल साइड में जाता था। अब तो ये यहाँ झोल में पता लगा है कि कारखाना बन रहा है, तो इसकी कीमत जो है 500 रुपए एक किलो की हो चुकी है। राज्य का सेरिकल्चर विभाग इस कार्य में काफी सहायता कर रहा है। किसान पहले पशुपालन और नगरी खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन विभाग के सकारात्मक प्रयास से किसानों ने इस खेती की तरफ रुख कर लिया और आज इससे काफी लाभ कमा रहे हैं। सेरिकल्चर का काम कई सालों से कर रहे हैं, 10-12 सालों से कर रहे हैं और उसमें बड़ा काफी फायदा है। और इसमें लगभग शहतूत वगैरह चाहिए और काफी इसमें लगभग एक महीने तक में ये तैयार हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण भी इस खेती के अनुकूल है। साल में 2 बार होने वाले इस खेती को किसान अप्रैल के अंत तक पूरा कर लेते हैं।
शहतूत की खेती आज एक क्षेत्र के लिए कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने वाला साबित हो रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण है सरकार के द्वारा दी जाने वाले उपकरण और सब्सिडी। किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग समय समय पर कैंप के माध्यम से तकनीकी जानकारी देता है। इसके अलावा खेती में हो रही परेशानी को लेकर भी जानकारी दी जाती है। आज इन क्षेत्रों के लिए यह खेती शुरुआत है। अगर यही मेहनत और लगन से किसान इस खेती के प्रति समर्पित होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम पंक्ति में शुमार होगा। तो किसानों की जागरूकता की कहानी हिमाचल प्रदेश में, जहां पर वो स्थिति और समय के अनुसार शहतूत की खेती करके फायदा उठा रहे हैं और किसानों की जागरूकता की वजह से ही जैविक खाद का प्रचलन काफी बढ़ रहा है। किस तरह से किसान इसका फायदा उठा रहे हैं खेती में, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सच्चाई ये है कि दुनिया का पेट भरने वाला किसान आज खुद दो वक्त की रोटी का मोहताज बना हुआ है। अकाल, बाढ़, सूखा जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने इसकी कमर तोड़ दी है। किसानों की इस हालत के कारणों में एक प्रमुख कारण है खेती में बढ़ती लागत और घटता लाभ। किसान अपने खेत में जो श्रम और पूंजी लगाता है उतना उत्पादन उसे नहीं मिलता और जो मिलता है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। हरित क्रांति ने देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि खेती में अंधाधुंध उर्वरकों के उपयोग से जल स्तर में गिरावट के साथ मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हुई है और आज खाद्यान्न उत्पादन न केवल स्थिर हो गया है बल्कि प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे सोना उगलने वाली धरती मरुस्थल का रूप धारण करती नजर आ रही है। किसान के खेत की मिट्टी में सुधार करती है, मिट्टी की एकत्रीकरण शक्ति, मिट्टी की पानी अवरोधक शक्ति और मिट्टी में जो कार्बनिक कार्बन होता है उस सब की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे किसान की मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। देश में कृषि की घटती जोत, संसाधनों की कमी, लगातार कम होती कार्यकुशलता और कृषि की बढ़ती लागत ने आज किसानों को जैविक खेती की ओर रुख करने को मजबूर किया है और आज जैविक खेती के माध्यम से किसान अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं सिवान के सुरेंद्र सिंह, जो जैविक खेती से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। खेती में कैसे लाभ हो इस पर सोचते सोचते मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे खेती में तरह से माना जाता है बिल्कुल जीरो खर्च होता है और जो कुछ भी होता है वो काफ़ी स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता है और मुझे लाभ प्राप्त आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है। शून्य से सफर शुरू करने वाले सुरेंद्र सिंह आज उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो वह पाना चाहते थे। आसपास के किसानों के लिए अध्यापक का कार्य कर रहे हैं। बगल वाले खेत से मेरे खेत में बहुत बड़ा अंतर है कि आलू का जो कलर है दूसरे खेत से, मेरा बहुत ही हरा भरा खेत है, जैविक लगाने से बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें उन्होंने DAP की मात्रा अधिक लगाई है और मैंने जैविक अधिक लगाई है तो उससे मेरे में फायदा मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि हरा भरा है और उनको कलर उसका भी कुछ डाउन है दूसरे बगल वाले। आज आसपास के किसान सुरेंद्र सिंह के दिशा निर्देश में खेती कर रहे हैं। किसानों को केंचुए से खाद बनाने वाले तरीकों को बताया जा रहा है और सुरेंद्र ने इनके माध्यम से आय का एक और विकल्प ढूंढ निकाला है। अभी अगर हमसे पूछा जाए तो कहेंगे कि मेरा खर्च बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया है, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके और यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। मात्र मैं केंचुआ एक खरीदा था शुरू में, वो दिल्ली से ले आए थे आपके PARI से, उसके बाद से गोबर वगैरह जो कुछ हुआ वो अपना है और ये कंपोस्ट बनाने में, पीट बनाने में मुझे जो खर्च लगा उसका ब्यौरा अगर कहें तो फिर दे देंगे। इसमें मेरा अपना खर्च करीब 15,000 रुपया, मुझे 15,000 से ये काम शुरू हुआ है। अभी तक हम इसमें से एक साल के अंदर अंदर केंचुआ बेच चुके हैं करीब 28,000 रुपये का और बर्मी कंपोस्ट का अकाउंट तो टोटल नहीं किए हुए हैं लेकिन अंदाजा 20-22,000 रुपये का बर्मी कंपोस्ट बेच चुके हैं और कुछ पैसा अभी मार्केट में मेरा बाकी है। पहली हरित क्रांति के अनुभवों से सीख लेते हुए किसान दूसरी हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में सावधानी बरतते हुए जैविक खेती पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जैविक खाद के प्रयोग से न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है बल्कि उसमें नमी की वजह से काफी हद तक सूखे की समस्या से निजात मिल सकती है। जैविक खाद के प्रयोग से भूजल धारण की क्षमता भी बढ़ी है
घटते भूजल स्तर के लिए जैविक खेती वरदान साबित हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट से जो भी मेरे खाद में खर्च आते थे वह बच रहे हैं, और साथ साथ जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का जो ह्रास हो रहा था वह ठीक हो रहा है। बिगड़ती हुई मिट्टी अब सुधार की तरफ जा रही है। जल का भी खर्च कम लग रहा है, बिल्कुल कम लग रहा है। अभी तक आपको बहुत चल के दिखाऊँ कि मात्र एक पानी दिए हैं, जबकि उसके बगल में दो दो पानी तीन तीन पानी दिया जा चुका है और उत्पादन समान है। साथ साथ किसी भी तरह का रोग व्याधि का भी प्रकोप नहीं हो रहा। जैविक खेती आज किसानों की मांग है, सरकार को भी इस स्तर पर ठोस प्रयास करने की जरूरत है। किसान अन्न उत्पादन नहीं करेगा तो देश की 125 अरब आबादी का क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। तो जैविक खेती किसानों के लिए साबित हो रही है फायदा का सौदा। और अब रुख करते हैं मंडी की ओर, देखते हैं क्या है आज का मंडी भाव। देश के सबसे बड़े मूंगफली उपज वाले राज्य गुजरात की अधिकतर मंडियों में इसके भाव गिरने लगे हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राज्य की हिम्मतनगर मंडी में मूंगफली का भाव 200 रुपए घटकर 4,800 रुपए क्विंटल रहा। पोरबंदर मंडी में भी भाव 75 रुपए की गिरावट के साथ 3,725 रुपए रहा। हालांकि राजकोट और जूनागढ़ मंडी में पहले ही मूंगफली में गिरावट आ चुकी है और इन दोनों मंडियों में बुधवार को भाव निचले स्तर पर स्थिर रहा। राजकोट में ये 4,250 और जूनागढ़ में 4,125 रुपए क्विंटल पर बिकी। गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश की गुंटी मंडी में भी मूंगफली का भाव 75 रुपए गिरकर 3,725 रुपए क्विंटल रहा। बीते खरीफ सीजन के दौरान देश में मूंगफली की पैदावार बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, इस वजह से इसके भाव घटे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक बीते खरीफ सीजन के दौरान देश भर में 51,07,000 टन मूंगफली पैदा होने की उम्मीद है, जबकि 2014 के खरीफ सीजन में 50,75,000 टन मूंगफली पैदा हुई थी। सामान्य तौर पर ठंड के मौसम में मूंगफली की खपत बढ़ जाती है, लेकिन हफ्ते भर से देश के कई राज्यों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और ठंड में कमी देखने को मिली है। इन हालात में मूंगफली की खपत कम होने का अंदेशा है। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज मूंगफली के भाव को दिशा दे सकता है। अरहर खरीफ में पैदा होने वाली सबसे बड़ी दलहनी फसल है और देश में इसकी सबसे ज्यादा उपज महाराष्ट्र में होती है। मंडियों में अब इसकी आवक बढ़ने लगी है, इसी वजह से अधिकतर मंडियों में इसके भाव कम हो रहे हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की डोंडदाइचा मंडी में अरहर के औसत हाजिर भाव में 550 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद यहां पर अरहर 8,000 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि गुजरात की जूनागढ़ मंडी में इसका भाव 400 रुपए से घटकर 7,500 रुपए और खेड़ ब्रह्मा मंडी में 700 रुपए से घटकर 7,750 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। हालांकि मध्य प्रदेश की सागर मंडी में इसके भाव में थोड़ी सी बढ़त देखी गई। यहां 75 रुपए की बढ़त के साथ एक क्विंटल अरहर के भाव रहे 7,675 रुपए। अरहर के कारोबार के लिए जानी जाने वाली कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में नई फसल की आवक तो शुरू हो गई है। इस साल दलहन के आयात में भी इजाफा देखने को मिला है, जो घरेलू बाजार में अरहर के भाव पर और दबाव डाल रहा है। और मंडी भाव के बाद अब बात करेंगे मौसम की, जो कि खेती में एक महत्वपूर्ण कारक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियां, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बड़ा असंतुलित और असामान्य है, जिसका असर खेती पर काफी पड़ रहा है। पहले वर्षा की कमी और अब जो है नमी की कमी उत्पादन पर काफी प्रभाव डाल रही है। फसलों की जो वृद्धि है वो भी प्रभावित हो रही है। हम देखेंगे कि किस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी मौजूद हैं, ओपी यादव मौजूद हैं। ओपी, मौसम की अगर बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण है ये खेती में,
किस तरह से बदलते पर्यावरण का, बदलते परिदृश्य का खेती पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से इसे बचाया जा सकता है, कितना महत्वपूर्ण है ये? जैसे मैं आपको बताया, आपने बताया कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, बारिश और तापमान और जलवायु परिवर्तन का खेती पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके लिए वैज्ञानिक लगातार मंथन भी करते हैं, ग्लोबल कंसर्न में इसकी बैठकें भी हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जैसे बुआई के दौरान पड़ता है। अभी क्या कि गेहूं की बुआई का रकबा पूरा हो चुका है तकरीबन पूरे देश में। अभी जो स्प्राउट हो रहे हैं गेहूं की, जो बालियाँ तो नहीं निकलती है लेकिन उसकी जो ग्रोथ बढ़ रही है, उसमें क्या कि सामान्य तापमान बढ़ने से क्या वृद्धि पर फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा निराई गुराई का कार्य कई जगह खेतों में चल रहा है, तो जो सुबह सुबह नमी रहती है उसका असर कम देखने को मिल रहा है कई जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहने का असर है कि काफी असर पड़ रहा है मौसम का, बदलते मौसम का, और बदलते मौसम में किसान क्या करें, किस तरह की फसल उगाएं और किस तरह के मौसम में किस तरह की सावधानी बरतें, इसकी जानकारी हम लगातार किसान समाचार में देते हैं और आज भी वही दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं कैसा रहेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात हो सकती है। वहीं कल जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इनके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी आज और कल मौसम के साफ बने रहने की उम्मीद है। जो बारिश का जो सिलसिला है वो अभी थोड़ा सा कम है। काल से आज जो बारिश हुआ था 24 घंटे में ओनली एक दो स्थान पुदुचेरी तमिलनाडु में हुआ है, और अगला जो चार पाँच दिन का हमारा जो पूर्वानुमान है उसमें ये चार पाँच जो राज्यों में एक और दो स्थानों में बारिश होने का संभावना है। इसमें एक है तमिलनाडु, एक है केरल, एक है जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। तो प्रधानतः तो पूरा जो देश में शुष्क रहेंगे। तो ये था मौसम का हाल और किसानों के लिए सलाह भी। आपके समाचार, आपके सरोकार हम हर रोज यूं ही लेकर आते रहेंगे किसान समाचार में, लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार।